बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलाम अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्नतुल बकी के इन्हदाम के लिए 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जिस सिलसिले में 7 शवाल को एक एहतजाजी रैली रखी गई है जो धरना चौक इंदिरा पार्क पर सुबह 10 बजे से रहेगी, जिसमें हमारे शहर के उलमा, ज़ाकिरीन, मुश्तहदीन और तमाम गुरुहान के सदूर से भी हमने मुआरजा किया है कि अराकिन को साथ लेकर आप इस प्रोटेस्ट में शामिल रहें और इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं रहेंगे, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं रहेगा, सिर्फ ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एक अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, कई साल से हम लोग हैदराबाद चैप्टर से ये प्रोग्राम को रखे हैं और जिसमें आप सब जानते हैं कि 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो तामीर नौ के लिए हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ले जाकर आले सऊद सऊदी गवर्नमेंट को ये चीज़ पेश करेगी। तो ये हम सब की सही है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इसमें बहुत ही खसूसी तौर पर मैं सुन्नी भाइयों से, सुन्नत जमात हजरात से भी ये अपील करूंगा कि इस रैली में सब मिलजुल कर ये काम अगर हम अंजाम दें तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जिगर गोशे रसूल और जौजे हजरत अली, तो ये सब शख्सियतें हम सब की हैं, इसके लिए हम सब हमेशा कोशा रहे हैं। उसमें कई एक मज़ार हैं जिसकी वजह से हम सुन्नत जमात से भी लोगों से मारुजा करते हैं कि इस रैली में शाना बशाना हमारे साथ रहकर इसे मुकम्मल तौर पर अगर हमारा साथ दें तो हम सब आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और यहाँ तक कि हम तमाम अंजुमनों से, तमाम कौम के लोगों से इस्लामिक तौर पे इस्लामिक रैली के लिए हम सब से मारुजा ही करते हैं कि इसमें पुरजोर आप लोग अपना ताउन फरमा कर, कसीर तदाद में शिरकत फरमा कर, दारुशोभा से बसेस 9:30 बजे सुबह निकल जाएंगे धरना चौक के लिए। इंशाल्लाह जुमा होने की वजह से हम लोग नमाज जुमा से पहले ये रैली इंशाल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। रैली में जो प्रोटेस्ट है धरना चौक पे जो है, इसका कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से आपको परमिशन? हाँ, इसके लिए खसूसी तौर पर ये कि इस साल हमें माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से परमिशन मिल चुका है रैली के लिए, और जिसमें परमिशन में हमें सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, मगर हम नमाज जुमा को, नमाज जुमा का एहतराम करते हुए हम उसको अपने एक वक्त मुकर्रर पे खत्म करते हुए इंशाल्लाह ये रैली को मुकम्मल करेंगे। कहाँ से निकलेगी ये रैली? निकलेगी दारुशफा प्ले ग्राउंड से, ये रहेगी धरना चौक इंदिरा पार्क। जी नहीं, इससे पहले हम लोग तो बाई वॉक जो लास्ट ईयर करे थे, इस साल वो धरना चौक का उस साल परमिशन नहीं था, तो इस साल परमिशन मिलने की बिना पे धरना चौक के लिए हम पैदल यात्रा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जिसके लिए बसेस का इंतजाम अलग से रहेगा। जो हजरत कार में आ सकते हैं वो लोग सभी अजाबन मारो जाए कि अपनी कार में अगर अपने चार दोस्त अहबाब, और इसमें खसूसी तौर पर जनाने के लिए भी, खवातीन के लिए भी खसूसी इंतजाम है, उनके लिए अलहदा बस है इंशाल्लाह, वो सब यहाँ पर तशरीफ लाने के। देखिए, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, किसी का कोई जाति फेल नहीं है, सिर्फ एक ये है कि शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की जिगर गोशे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खबर मुतहर के लिए, इसकी जो हम तामीर नौ के लिए जो हमारा मुतालबा रखे हैं, बस हम 100 साल से मुकम्मल हो चुके हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सबकी अगर ये कोशिश रही इस बारे में, तो इंशाल्लाह शहजादी के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में, हम ये दुआ करते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में इस रोज़े को तामिर होते हुए देखें। इलाही आमीन। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।